नमस्कार, इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, जहां यहां पर जो है कॉलोनाइजर और डीटीपी का जो मामला कुछ दिनों से काफी ज्यादा सुर्खियों में था, उसी को लेकर जो है आज यहां पर आप देख सकते हैं सभी लोग जो है नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। लगातार प्रशासन के खिलाफ भी, डीटीपी के खिलाफ भी, क्या कुछ पूरा मामला एक बार बातचीत कर लेते हैं। जो परवीन है कॉलोनाइजर, जो एक बार उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने एक कंप्लेंट दी थी कुछ समय पहले, उसी के चलते आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैंने अपनी ऑनलाइन में भी बताया था फेसबुक के माध्यम से कि मेरे साथ मुझे किस तरह से टॉर्चर किया गया है, मेरे परिवार वालों ने और मेरे छत्ती बिरादरी भाईचारे ने। जो भी DTP के विक्रम के बर खिलाफ मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह थी, जो प्रूफ थे, जो एविडेंस थे, वो पुलिस प्रशासन को जमा भी करवाए थे। लेकिन मेरे परिवार और मेरे रिश्तेदार कई बार प्रशासन के पास गए, वो बार बार जाते हैं और टाल देते हैं कि कल। अब जैसे कि पूरी कार्रवाई के बारे में मेरे समाज को तो नहीं पता था, मेरे भाईचारे को नहीं पता था, वो मुझे ही पता था। आप सभी को पता है कि पिछली 21 तारीख को मेरे साथ क्या दुर्घटना हुई थी, मीडिया के माध्यम से सभी लोग जानते हैं। मैं तो प्रशासन से आश्वासन करने निर्णय लेने आया हूँ, विश्वास जता रहा था अब तक के, कि आज भी मैं विश्वास जता रहा हूँ, अगर अभी भी मेरी बात सुनी जाती है तो ठीक है, नहीं तो एक घंटे के बाद मैं यहाँ पर धरने पर बैठ रहा हूँ, अनिश्चितकालीन धरने पर। क्या मांग क्या है आपकी, और अभी तक अगर SP साहब से इस पर कोई बातचीत हुई है आपकी? SP साहब से मेरे भाइयों की बात हुई है, मेरे घर वालों की बात हुई है, उन्हें कई बार गए हैं, यही आश्वासन दिया है कल कर देंगे। लेकिन लास्ट बार जो बात हुई थी महोदय साहब से, तो उन्होंने यही कहा था कि कल कार्रवाई हो जाएगी, मेरे पास फाइल आ चुकी है, आपको आने की जरूरत नहीं है। आज कल को भी लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो कल अभी तक नहीं आई। तो क्या कुछ आरोप आप लोगों ने लगाए हैं DTP? मैम, DTP की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये मैं ऐसे ही नहीं, आप जनता समझ सकती है कि इस तरह का जो कोई निर्णय लेता है कितना मजबूर होता है व्यक्ति। मैं कोई इसी तरह के निराधार आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस है, मैंने कहाँ पर पैसे दिए हैं, कैसे पैसे दिए हैं। और मैं तो प्रशासन से और जनता से एक ही अपना मत रखता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि करनाल के अंदर DTP साहब जैसे घी की बात को लेके कह रहे थे, उसका मैंने प्रूफ प्रशासन को दिया, मेरे परिवार वालों ने दिया है। अगर घर की बात कह रहे थे, चलो मैं उसमें सुध में नहीं था उस समय पर, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग दिया वहाँ पर, मेरे से क्या, मेरे को घर पे बुला गया, 6 सेक्टर में क्या नंबर है, कौन सा घर है, और चबार पर पौड़ियों पर आते हुए कि भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, पौड़ियों पर प्रवीण कुमार ऊपर चढ़ के आ जाओ, इससे ज़्यादा प्रूफ मैं क्या दे सकता हूँ। जी सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? काफ़ी दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कहीं ना कहीं प्रशासन का ढीला रवैया है। देखो जी, मुख्यमंत्री महोदय करनाल CMCT है, प्रधानमंत्री जी का नारा है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, और इन्हीं लोगों के राज में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही प्रशासन और सरकार के लिए बेशर्मी की बात है। और जो हमारे करनाल का प्रशासन है, दिन पे दिन इन्हें टॉर्चर कर रहा था, इनकी मजबूरी ऐसी रही, व्यवस्था ऐसी बनी कि जो इन्हें जहर खाना पड़ा, और पूरा समाज इस चीज़ की बड़ी ही चिंता करता है। अगर हमारे भाई को समाज के, हमारा समाज की जान है, समाज के लिए हर टाइम खड़ा रहता है हर काम के अंदर, अगर इसको कुछ हो जाता है तो हमारी एक बाजू कट जाती है। तो परमात्मा का भी शुक्र गुजार है कि भाई की जान आज भाई हमारे बीच में है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय, आपकी करनाल सिटी में इतना गंदा काम हो रहा है, चलो हम भाई का धन्यवाद करेंगे, इन्होंने किसी मुद्दे पे बात उठाई है, इससे भी बड़े बड़े घोटाले इनकी सरकार के बीच हो रहे हैं। नगर निगम के घोटाले लगा लो, करनाल क्लब को ले लो, जो प्रॉपर्टी करोड़ों का इनको कमा के देती है, उसका किराया 10,000 है, जनता के टैक्स से सरकार चलती है, प्रशासन चलता है, और जनता के साथ इतना गलत है। तो मैं सरासर यही कहूँगा, ये सभी करवाने वाली सरकार है, प्रशासन के लोग हमें कहते हैं कि नई कार्रवाई होती है, जिसकी लाठी उसी की बहस, तो लाठी मुख्यमंत्री जी किसने की बोली है, ये चीज़ की जिसकी लाठी उसी की बहस, ये किसने बोला? पुलिस के लोग थे जो उनके पास गए थे, तो उन्होंने। मैम क्या है, जैसे कि मैं ICU में पड़ा था, मेरे पास बयान लेने के लिए प्रशासन के व्यक्ति आए 32 सेक्टर से, पहले 3 व्यक्ति आए जो बयान लेके चले गए, 1 घंटे के बाद फिर पुलिस वाले आते हैं हमारे पास और मुझे कहते हैं कुछ करो नहीं तो गलत हो जाएगा। मेरे साथ में मेरा भाई खड़ा था, उसने क्या किया, बात सुन के रिकॉर्डिंग कर ली और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना ली। और मैं कहता हूँ कि प्रशासन मेरे आपके को पास है वो, हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग है, समय आने पर मैं आपको अभी दे देता हूँ, थोड़ा एक बार उनसे बात कर लूँ। मैं प्रशासन से क्या कहना चाहता, क्यों मैं तो फर्स्ट टाइम मिलने आया हूँ अभी यहाँ पर,
ठीक है, अभी आप रिकॉर्डिंग नहीं सामने लाना चाहते? रिकॉर्डिंग नहीं लाने सामने, एक बार मैं खुद मिलना चाहता हूँ कि मेरी गलती बताई जाए। मैंने कोई अफीम नहीं बेची, असला नहीं बेचा, दो नंबर का काम नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना किया, गरीब भाइयों को, गरीब परिवार को प्लाट बेचता हूँ मैं, वो कबूल करता हूँ। अगर मैंने कोई गलती किया, मेरे मुकदमा दर्ज किया जाए, मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग आप कह रहे हैं, क्या कुछ है उसमें और किसके खिलाफ है वो? जो प्रशासन की तरफ से मुझे धमकी दी गई थी वहाँ पर आईसीयू के अंदर, मुझे कहा गया था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है और वॉइस भी है उसके अंदर, और पैसे की डिमांड की गई थी मुझसे। और डीटीपी की तो पूरी रिकॉर्डिंग मैं प्रशासन को दे चुका हूँ, वो भी आधी है। अगर डीटीपी भी मान के बैठा है कि प्रवीण कुमार के पास कुछ नहीं है, प्रवीण कुमार के पास वो एविडेंस है जो तरावड़ी के अंदर मेरे साथ उन डीलरों ने, कॉलोनाइजरों ने जो किया है उनका, एक वो खट्टर साहब से भी, सरकार से भी बड़े हो गए। करनाल के अंदर कोई घर गरीब परिवार का नहीं छोटा डीटीपी ने, लेकिन मेरे पास 3 कॉलोनियाँ हैं जिसके पिछले 14 महीने पहले वो बसी हैं। आज उसके अंदर बिजली कनेक्शन, ट्रांसफार्म और पानी कनेक्शन सब कुछ दिया, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग गड़ चुकी है। मेरे पास आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, प्रूफ्स हैं, अगर प्रशासन नहीं कोई कार्रवाई कर रहा, आपको लगता है आपको सामने लानी चाहिए? मैम सामने लानी चाहिए एक बार, मेरा तो जो एक मेरा कर्तव्य बनता है कि उस सरकार को बनाने में मेरी पूरी छत्ती बिरादरी खड़ी है, मेरा भाईचारा खड़ा, मेरे साथ था। मैंने भी बहुत बड़े प्रोग्राम किया है, मेरी अगर किसको नहीं पता, खट्टर साहब मेरे को जानते हैं, फेस से भी जानते हैं व्यक्ति कौन है, 10-12 मेरी मीटिंग हुई है। लेकिन मैं कभी भी अपने काम को लेकर कभी सरकार के पास नहीं गया, मैं सिर्फ अपना गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ, जैसे भी रोटी का अपना गुजारा कर रहा था, मैं कर रहा था। मैंने एक व्यक्ति मेरे बारे में आके बोल दे कि प्रवीण ने धोखा किया, मैंने कैसे कैसे किस्तों में प्लाट दे रखे हैं। डीटीवी साहब मेरे को कह रहे, उसमें रिकॉर्डिंग में मैंने सुना बाद में आके, डीटीपी साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे तो मैंने फसल लगा रखी है। विक्रम जी मेरी बात सुन लो, आपने नहीं, आपने तो मेरे को राय दी थी कि आप वहाँ पे 15 दिन में मकान बनाओ, 30 दिन में बना बनाओ। मेरे को ये मैं पूछना चाहता हूँ, करनाल के अंदर, करनाल एरिया के अंदर प्रवीण कुमार की जिस तरह की कॉलोनी है, 4 दीवारी गेट, 50,000 का एक गेट, 2-2 गेट मैंने कॉलोनी के अंदर लगाए हैं। अगर कोई सुई भी गुम हो जाती है वो प्रशासन को पता होता है, ये तो मेरी कॉलोनियाँ थी, मेरा कोई बाप दादा कोई MP MLA नहीं है, कोई इतनी मेरे ऊपर छत थी वो हाथ था तो सिर्फ DTP का। मेरे को ये फक्र था कि मैंने पैसे दिए, मेरे ऊपर हाथ नहीं होगा। जब मेरे साथ गलत हो गया, जब ये 10 लाख रुपये की डिमांड करने लगे, मेरी कॉलोनी तोड़ दी इन्होंने जाके, जहाँ पे मैं गरीब लोगों को मैंने बसाया हुआ था उन कॉलोनाइजरों के साथ, उन्होंने मेरे से प्लॉट लिए और उन्होंने मेरे से वापस वो कर लिया, मेरे पे झूठा। सर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, अगर आज भी आप लोग ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं, नई कार्रवाई होती नेक्स्ट, फिर आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? मैडम हम तो ये कहना चाहेंगे, अभी लगभग 10-12 दिन के आसपास हो चुके हैं और परिवार की तरफ से पूरे एविडेंस देने के बावजूद भी सरकार और प्रशासन कहीं कार्रवाई नहीं करता, तो इसे यह साफ जाहिर होता है कि इन लोगों को करप्शन करने के लिए सरकार का पूरा हाथ है। और मैं खास तौर पे CM साहब से कहना चाहूँगा, इस पाल समाज के लोगों ने CM साहब को यहाँ से जोड़े भर भर के वोटों के दिए थे, और करनाल के अंदर एक इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली जो की थी आज तक कोई कर नहीं पाया, तो उसके बावजूद भी CM साहब को मतलब ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि यहाँ की जनता जो उनको बनाने वाली है उनके साथ आज DTP ये क्या गंदा काम मतलब कर रहा है। तो मतलब उनको बचाने में सीधा साफ तौर पर सरकार का हाथ है। तो सर वही चीज़ मैं पूछूं, अगर आज भी कार्रवाई नहीं होती नेक्स्ट आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? मैडम यदि कार्रवाई नहीं होती तो हम इसमें पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे, पाल समाज सड़कों पर उतरेगा, यदि इनको न्याय नहीं मिलता तो पाल समाज नहीं, पूरी 36 बिरादरी बाइक की सपोर्ट में है और पूरा हरियाणा बाइक की सपोर्ट में है, और कल को हमें न्याय नहीं मिलता ना, अभी 1 घंटे बाद ही हम धरना प्रदर्शन यहाँ से शुरू कर देंगे, और तीन दिन बाद हमारी अलग होगी, हम बाईपास भी जाम करेंगे, हम रेल भी रोकेंगे, हम बड़े बड़े प्रदर्शन भी करेंगे। सरकार और प्रशासन इस चीज़ का जिम्मेवार होगा अगर हमारे भाई को न्याय नहीं मिलता, और जो ये सरकार के दायरे में जो और भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं सरकार इन पर रोक लगा ले, नहीं तो आने वाला समय सरकार के लिए बहुत बुरा है। तो आप देख सकते हैं आज ये लोग जो है यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी जरूर कर दें, क्योंकि जब जब झूठ का कद बड़ा होता है तब तक लोग इसी तरीके से सच्चाई के साथ खड़े होते हैं और उसके समर्थन में जरूर से जरूर आते हैं। आज भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अभी जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा और उसके बाद देखना यही होगा कि प्रशासन इस पर क्या कुछ आश्वासन देता है, क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं और जैसा कि इनका कहना है कि इनके पास एक ऐसी रिकॉर्डिंग भी है जो अभी हालांकि ये मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते, लेकिन जरूरत पड़ी तो जरूर से जरूर लाएंगे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।